यहाँ का लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग का गांव पे, तो मैं सब रिवील करने वाला हूँ। इस तरह से जाना पड़ रहा है घर। आर यू रेडी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुनिए कि मैं वाटी से होजे आ रखा हूँ, तो जस्ट अभी मैं होजे पहुँचा हूँ, तो क्यों ना एक ब्लॉग स्टार्ट किया जाए होजाई से। तो होजाई से मेरा जो जर्नी है तो मेरे घर की तरफ होने वाला है, तो होजाई का थोड़ा स्टेशन वगैरह दिखाऊँगा आपको। तो इस तरह से दिखाई देता है ये होजे स्टेशन, और इस तरह से दिखाई देता है ये स्टेशन। तो देख सकते हैं गाइस ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। सो गाइस देख सकते हैं इस तरह से इंटर होना है, तो मेरे को यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ। तो फिलहाल तो मेरे पास 3 बैग है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे जाने के लिए, काफ़ी भारी वेट है ये बैग का और ये बैग का, तो कैसे लेके जाऊँ वही सोच रहा हूँ। तो यहाँ से मैं और अमरन बस स्टेशन जाने वाला हूँ, तो देखते हैं लाइक गाड़ी वगैरह मिल थोड़ा अच्छा ही है, थोड़ा सुबह के टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है गाड़ी वगैरह मिले। तो मैं होजाई का सिनेमेटिक के साथ नज़ारा दिखाऊंगा आपको। होजाई के अंदर का रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से है। सो गाइस यहाँ बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं, जो होजाई का टाउन है इस तरह से दिखाई देता है। सो गाइस बात ये है कि यहाँ से 11 बजे गाड़ी जाएगा, तो मेरे को छोटा मोटा गाड़ी में जाना होगा, छोटा मोटा गाड़ी में जाऊँगा तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा। सो गाइस मैं होजाई का ओल्ड मार्केट से न्यू मार्केट जा रहा हूँ फिर से, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिला तो वहाँ से देखते गाड़ी वगैरह मिल जाएगा तो जल्दी जाएंगे। और एक गाड़ी था वो पास चला गया, मेरा ज़्यादा सामान है ना इसलिए लेके नहीं गया, वो बहुत फुल था गाड़ी। ये हो जाएगा मेन टाउन। सो फाइनली गाइस मैं डंका आ चुका हूँ, अभी जस्ट पहुँचा हूँ डंका, तो आप लोग को डंका का नज़ारा दिखाऊंगा। वेस्ट कार्बनिंग रहता है जो कि मेरा घर है, तो यहाँ से डंका से होके मैं हमरिंग होकर जाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा डंका का सिनेमेटिक शॉट देख लेना। तो गाइस मैं अभी होटल पे कुछ रखा हूँ, अभी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेंगे यहाँ से, और थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा डंका का, तो बने रहना। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:20, तो सुबह का 10:20 हो रहा है, तो यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। और आप लोग यहाँ पे आके यहाँ पे आ सकते हो और जगह देख सकते हो डंका किस तरह से, किस तरह से जाना है आप लोग को, यहाँ से मैं व्यू दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये रोड जो है वो उदय से आ रहा है, और जो ये है, जो ये रोड है ये लंका जा रहे है, और जो ये रोड है ये हमरिन जा रहा है गाइस, और जो ये रोड है ये है बठलंग से जा रहा है, तो इस तरह से नज़ारा दिख देता है। तो इस तरह से जब आप लोग यहाँ पे पहुँचते हो तो ये मूर्ति देख लेना, तो ये मूर्ति जब यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे उतार लेना डंका बोलते इसको, यहाँ से अभी मैं हमरिन जाता हूँ और हमरिन जाके मिलता हूँ। सो गाइस मैं फाइनली अमरीन पोस्ट रखा हूँ, तो करीबन मेरे को 1.5 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो फिलहाल यहाँ पे पहुँच के मैं अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह खाऊंगा और थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद सीधा और घर जाके मिलते हैं आपको, मैं घर भी रिवील करने वाला हूँ कब पहुँचूँगा, कितना टाइम लगता है अमरीन से मेरा घर पहुँचने में, तो दिखाऊँगा आपके लिए, तो बने रहना वीडियो को। सो गाइस देख सकते इस तरह से अमरीन का नज़ारा, थोड़ा अंदर जाके दिखा देता आपको और यहाँ से ऐसे दिखा देता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आके सामान वगैरह खरीद सकते हैं आप लोग, जितने भी खंडूली लोग हैं और उनका गाँव से बिलिंग होता है, यहाँ पे आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए, तो इस तरह से ये नज़ारा, और रास्ता का इस साइड ऐसा दिखाई देता है नज़ारा, और वहाँ आर्मी लोग भी बैठ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आर्मी लोग है, तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल पम्प रहता है, और यहाँ पे स्कूल वगैरह जा सकते हैं और इधर बैंक वगैरह जा सकते हैं। सो गाइस इस तरह से जाना पड़ रहा है घर हमरिंग से, अंदर का जो सीट था वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए घर जाने के लिए, मैं भी बाहर में बैठ के जा रहा हूँ इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, ये मेरा भाई और ये मेरा दोस्त, जस्ट फ्रेंडशिप हुआ है, हाय येलो कर दो दोस्त, हाय येलो कर दो, तो मिलते हैं घर में जाके गाइस, तक के लिए बने रहना। सो गाइस देख सकते हैं जो हम लोग का गाड़ी था वो आधा रास्ता में ख़राब हो चुका है,
तो हम लोग उतर के थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह किया यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है गाड़ी बनाने के लिए। इस तरह से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं अभी तक। सो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जो कि हम लोग का छोटा मोटा मार्केट है। तो आज हम लोग का मार्केट था, मेरे को पता ही नहीं था, जस्ट अभी आके पता चल गया कि हम लोग के यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। तो मैंने इतना चीज़ खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा, ये सैंडल वगैरह या फिर मिठाई वगैरह खरीद लिया, ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। तो यहाँ का मार्केट रिवील करने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ का छोटा मोटा मार्केट जो कि हम लोग का सामने में लगता है, तो आप लोग को दिखाऊंगा सिनेमेटिक के साथ। सो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हम लोग का मार्केट जो कि बहुत ही छोटा है, और यहाँ पे काम चलाने के लिए सामान वगैरह मिल जाता है। तो इसी तरह से दिखाई देता है, इतना बड़ा नहीं है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दिखाई देता है ये। तो अभी मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ, ज़्यादा ही रात हो गया, तो गाड़ी भी यहाँ पे फुल होने वाला है, मेरा भी वेट कर रहा होगा शायद, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से जल्दी। हे गाइस ये दो दिन बाद वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेट का इशू है, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ और वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पर। बहुत बहुत प्रॉब्लम है, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अभी यहाँ इस टैप से करने वाला हूँ, जो कि बहुत मतलब स्मूथ चलता है। और क्या ही बताओ गाइस, यहाँ पे आके काम करना पड़ता है, यहाँ का लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को मैं दिखाऊंगा यहाँ का लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग का गांव पे, तो मैं सब रिवील करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो भी दमदार और शानदार आने वाला है, जो कि आप लोग को बोला था मैं जब मैं घर जाऊँगा तब तो मैं फैमिली ब्लॉग डालूँगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है मेरा फैमिली ब्लॉग, मेरा फैमिली में कितने मेम्बर्स है, कितने लोग रहते हैं, तो आप लोग को बताऊँगा। तो आई होप इस ब्लॉग को पसंद आए, तो लाइक और शेयर और कमेंट करना जितने भी हो सके, प्यार दिखाना। तो आप लोग बने रहना वीडियो पे, फैमिली वाला ब्लॉग आने वाला है जल्दी जल्दी, तो आप लोग वेट करना। तो आज का ब्लॉग में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।